नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। निर्माणाधीन मकान तोड़ने के विरोध में कल से अनशन में बैठी महिला के समर्थन में पहुंचे सांसद मोहन मंडावी व पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी। तहसीलदार को तत्काल हटाने की मांग, एसडीएम कार्यालय के सामने डटे भाजपाई। 5 तारीख को अंतागढ़ तहसीलदार लोमेश मिरी द्वारा बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण कहकर कुछ मकानों को तोड़ दिया गया था, जिसमें एक निर्माणाधीन मकान पीड़िता कल्पना जैन का भी था, जो कि पिछले 36 घंटे से न्याय की गुहार लगाते हुए और उनका मुआवजे की मांग करते हुए एसडीएम कार्यालय अंतागढ़ के सामने अनशन पर बैठी हुई है, जिसके समर्थन में कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी व पूर्व विधायक व सांसद विक्रम उसेंडी धरना स्थल पहुंचे। सांसद द्वारा पीड़िता कल्पना जैन से पूरी जानकारी लेने के पश्चात तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलवाया गया, जहां पर सांसद मंडावी ने तहसीलदार लोमेश मिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए एवं फटकार लगाते हुए अपने उच्चाधिकारियों से बात कर तत्काल पीड़िता को न्याय दिलाने को कहा। मौके पर मौजूद एसडीएम उत्तम पंचारी उच्चाधिकारियों से बात कर पीड़िता की मांगों पर विचार करने की बात कही गई, जिसमें अस्थायी पट्टा देने व क्षतिपूर्ति देने के संबंध में उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़िता कल्पना जैन ने स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती अनशन से नहीं हटूंगी। खबर लिखे जाने तक अभी भी धरनास्थल पर डटी हुई है। वहीं धरनास्थल पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार को तत्काल यहां से हटाने की मांग एसडीएम से की गई, और जब तक तहसीलदार को नहीं हटाया जाए, साथ में अनशन में बैठी पीड़िता के साथ बीजेपी पार्टी भी उनके साथ खड़े रहेगी, जिस पर एसडीएम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खबर लिखे जाने तक अपने उच्चाधिकारियों को इस बाबत अवगत करा दिया गया। अतिक्रमण में जो तोड़फोड़ हुई है, गरीबों का घर तोड़ा गया है और विशेषकर पार्टी को देख के जो तोड़फोड़ हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? अभी हम स्वयं अभी पूर्व हमारे सांसद उसेंडी जी, हमारे पूर्व विधायक भोजराज नाग जी और यहाँ के पूर्व सरपंच और पूरे हमारे कार्यकर्तागण हम देखने गए, और ये पंचायत के द्वारा बसा गया है। पंचायत के द्वारा बसाए गए थे, ये बाद में नगर पंचायत में आया है और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है, हमारे सामाजिक भवन बना है और लाइट वाइट सब की व्यवस्था है, और ऐसे समय में बिना सूचना दिए बिना नोटिस दिए तोड़ रहे हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मकान तोड़ रहे हैं, चाहे पखांजूर हो चाहे यहाँ हो। और अभी धारा 144 लगी हुई है, कोविड के नियम का पालन करते हुए अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसे समय में तोड़ रहे हैं। अब एक छोटा सा झोपड़ी की तोड़ रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। और ये तहसीलदार और ऊंचे वो करके बोलते हैं कि हम सबका मकान तोड़ेंगे, सबका मकान तोड़ेंगे, तोड़ो जितना भी बेजा कब्जा हम देखते हैं, जिनका भी बेजा कब्जा कैसे तोड़ते हो। और अभी ये धरने में बैठी है, इनके मकान को पूरा करके दिया जाए, इनको पट्टा दिया जाए, और जितने भी बेजा कब्जा में हैं यहाँ हमारे लोग, इनको अभी नहीं, ये प्रथा है, हमारे आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी लोग ठाकुर हैं, बहुत पहले से जनों जात को बसाए हैं और कभी इस क्षेत्र में भेदभाव नहीं होता। और आज हम देख रहे हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी इस भावना को लेकर तोड़ा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, किसी भी भाई के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और ऐसे ठंड के समय में तोड़ना, किसान थोड़ा थोड़ा जमीन सरकारी चोरी करता है, और हम तो कहते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे लोगों का है, फिर ये क्यों इस प्रकार से दखलंदाजी हो रही है? आज हम देखते हैं कि अंतागढ़ सबसे सौम्य और सबसे अच्छा जो हमारे विधानसभा माना जाता है, ये अंतागढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ हम पार्टीगत भावना देख रहे हैं और यहाँ बीजेपी वालों को तोड़ा जा रहा है, गरीब लोगों को तोड़ा जा रहा है और बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अभी हमको पता चला कि यहाँ 8 एकड़ जमीन कोई कब्जा किए हैं, यहाँ और कई लोग कब्जा किए हैं बड़े बड़े, इनका भी मकान टूटे पहले, उसके बाद गरीब लोगों का देखेंगे। तो इस प्रकार से टूटना नहीं चाहिए। इसमें आगे क्या कार्रवाई?